गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और जो गलत है उसको सही करके भी बताना है आपने। री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, उसको सही करके दोबारा से लिखिए। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है एक सेट दे दिया गया आपको P, ये रहा उसके एलिमेंट्स MN, और एक सेट है Q, उसके एलिमेंट है N, M। देन P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू M, N एंड N, M। तो जो आपको A क्रॉस B का रूल तो पता है, A क्रॉस B में हम क्या कर देते, पहले सेट का एलिमेंट और दूसरे सेट के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बना देते। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे P क्रॉस Q में क्या होना है, एलिमेंट्स को पेयरिंग कीजिए। ये एलिमेंट पहले आएगा क्योंकि P क्रॉस Q में P वाला जो सेट है वो पहले आ रहा है, Q बाद में आ रहा है। तो P सेट के एलिमेंट्स पहले आएंगे और Q के साथ पेयर बनाएंगे। तो M इंटू N पहला पेयर बना, M इंटू N दूसरा बना, M इंटू M, M कॉमा M तीसरा बनेगा, N कॉमा N और N कॉमा M। ये पॉसिबल पेयर थे इधर से इधर के लिए, जबकि हमें P क्रॉस Q में क्वेश्चन में क्या दे रहा है, देखिए एम एन और एन एम, बस ये दोनों दे रहा है, बाकी ये दोनों मिस हो गए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और सही स्टेटमेंट क्या है ये हमने यहां पे लिख दिया। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग और सही जो उसका करेक्ट वर्जन है वो ये रहा। अब करते हैं बच्चों उसका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है, देखिए सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए एंड बी आर टू आर नॉन एम्प्टी सेट्स। दो सेट हैं ए और बी, नॉन एम्प्टी मतलब उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है। बोल रहा है उसके बाद ए क्रॉस बी जो होगा वो नॉन एम्प्टी सेट वाले ऑर्डर पेयर्स का होगा। मतलब ये कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है कि जब एक सेट है, बी एक सेट है, तो ए क्रॉस बी हम करेंगे तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये उनमें से एक मान लीजिए एक्स वाई है। ओके, तो बोल रहा है या एक एक्स वाई है, मतलब सभी को एक्स वाई से डिफाइन कर रहा है कि ये जो है एलिमेंट्स इनको एक्स और वाई मान के चल रहा है वो। तो बोल रहा है इन एलिमेंट्स में, इन ऑर्डर्ड पेयर में एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, तो उसमें जो एक्स होता है वो बी को बिलोंग करता है और जो y होता है वो a को बिलोंग करता है। देखिए जब हमने यहां पर p क्रॉस q किया था तो हमने p सेट के एलिमेंट हमेशा पहले लिए थे और q सेट के एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे थे। देखिए किसी भी पेयर में पहला एलिमेंट जो होगा वो p का ही होगा, m फिर है n फिर है n। देखिए क्योंकि p पहले है तो उसके एलिमेंट भी पहले पोजीशन में है, जबकि यहां पर कह रहा है कि a क्रॉस b में एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई। तो अगर a क्रॉस b हुआ है तो x फिर a से ही बिलोंग करता होगा और y जो है b से बिलोंग करता होगा, लेकिन यहां पर उसने बोला x जो है वो b को बिलोंग करता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही रहेगा या गलत रहेगा। जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेट है a, 1, 2 बना लेते, और एक सेट है b, 3, 4। अब ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी में ए पहले, तो पहले एलिमेंट पेयरिंग करना शुरू करेंगे 1, 3 फिर 1, 4 फिर 2, 3 फिर 2, 4। आप देखिए हर बार ए वाले के जो एलिमेंट हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेंगे। तो मान लीजिए यहां पर इसको मैं एक्स मान लूं और इसको वाई मान लूं, तो आप बताइए एक्स किसको बिलोंग करता होगा, ए सेट को ही करता होगा, और वाई किसको बिलोंग करता होगा, वो बी सेट को बिलोंग करता होगा, जबकि यहाँ पे कह रहा है एक्स जो है वो बी को बिलोंग करता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। और ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, इफ एक्स वाई इज अ ऑर्डर्ड पेयर इन या ऑफ ए क्रॉस बी then
x is always belongs to a and y is always belongs to b. ये हो गया इसका ट्रू स्टेटमेंट. ओके, तो सेकेंड वाला भी हमारा फॉल्स था, इसका ट्रू स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया. अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन कह रहा है इफ ए एक सेट दे दिया गया आपको 1, 2, बी एक दूसरा सेट है 3, 4, और फिर बोलता है देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5 होगा, ये आपको बताना है. एक सेट है ए, ये रहा बी, ये रहा, बोल रहा है देन आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 करना है जिसका रिजल्ट 5 आएगा, ये ऐसा कह रहे हैं. चेक करते हैं 5 का मतलब होता है बच्चों नल सेट. नल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो इसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं. अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें, बी इंटरसेक्शन 5, एक सेट है बी यहां पे दे दिया गया है 3, 4, और एक सेट है 5 नल सेट. इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है. अब आप देखिए यहां पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, खाली है, और यहां पर भी एक खाली स्पेस हम हमेशा मान के चलते हैं, मतलब किसी भी सेट में 5 हमेशा प्रेजेंट होता है. तो मतलब इस सेट, आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा आपने पहले भी, कि जो सेट होता है कोई भी सेट उसका एक सबसेट 5 होता ही होता है. सबसेट होने का मतलब कि उसमें 5 मौजूद होता ही है, एज अ एलिमेंट नहीं, एज अ सेट. 5 के अंदर एलिमेंट नहीं है, देखिए एलिमेंट नहीं है यहाँ पे कोई 5, एक खाली स्पेस है मान लीजिए इसके अंदर, हम उसको मान रहे हैं एक खाली स्पेस हर किसी के अंदर होगा ऐसा मान के चलिए आप. तो खाली स्पेस को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से. इसका मतलब 5 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है. तो जब मैं बी इंटरसेक्शन 5 करूंगा तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या रहा है, 3, 4 तो यहाँ पे है नहीं, केवल 5 है. तो 5 जो हो जाएगा वो बी इंटरसेक्शन 5 का रिजल्ट आ जाएगा. मतलब आपने जो कॉमन एलिमेंट ढूंढा वो आपको क्या मिला वापस से, 5. अभी एलिमेंट भी नहीं है, आप इसको नल सेट से रिप्रेजेंट करते, तो मतलब बी इंटरसेक्शन 5 जो आ गया वो 5 आ गया. ओके ठीक है. अब वो बोल रहा है अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 कीजिए, तो बी इंटरसेक्शन 5 की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन की जगह पे क्या आ गया 5. तो जब यहां पे हमने किया था बी इंटरसेक्शन 5, यहां पे बी इंटरसेक्शन 5 आता है, तो ए क्रॉस 5 का मतलब क्या होगा, एक सेट है ए 1, 2 और दूसरा सेट है उसके साथ एम्प्टी सेट, मतलब यहां पे कोई एलिमेंट है ही नहीं. तो आप क्या बनाएंगे यहां पे, जब आप इसकी इसकी पेयरिंग करेंगे, तो जब यहां पर कोई मौजूद ही नहीं है तो इसकी पेयरिंग होगी किसके साथ, और आपको पता है कि क्रॉस का मतलब होता है रिलेशन, याद है आपको कि इस क्रॉस को हम रिलेशन के लिए रिप्रेजेंट करते थे, और रिलेशन का मतलब होता था कि एक एक सेट इधर होता था, एक सेट इधर होता था, और हर यहाँ के सेट से यहाँ का एक, इस सेट के एलिमेंट से यहाँ का एक एलिमेंट पेयर बनाता था, ऐसे करके यहाँ एलिमेंट होते थे, यहाँ कुछ एलिमेंट होते थे, और ये एक दूसरे से क्या करते थे, ये यहाँ से भी पेयरिंग करता था, यहाँ से भी करता था, यहाँ से भी पेयरिंग करता था, ऐसे करके पेयर बनाते थे. तो जब यहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं है तो यहाँ पर रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा भाई. रिलेशन होने के लिए आप जब, जैसे मान लीजिए आप कोई रिलेशन बता रहे हैं कि जैसे आपकी आपका एक कज़न ब्रदर है, तो अगर आप उस, अगर आप रिलेशन बता रहे हो कि मेरा एक कज़न ब्रदर है, तो मतलब सामने कोई व्यक्ति होना चाहिए, सामने कोई पर्सन ऐसा होगा जिससे आप रिलेशन बता पाएंगे. जब सामने कोई होगा नहीं तो आप रिलेशन किससे फाइंड करेंगे. तो इसका मतलब जब यहाँ पर नल सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी कर, ए क्रॉस बी तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो रिलेशन भी क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा. तो मतलब कुछ नहीं बनेगा तो उसको फिर से रिप्रेजेंट करते हैं 5 से. जब सेट के अंदर कुछ मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे 5 होगा. तो इसका मतलब ए क्रॉस जो बी इंटरसेक्शन 5 आया, बी इंटरसेक्शन 5 हमने रखा था 5, वो भी कितना आया 5. तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 का वैल्यू भी कितना आया 5. तो ये बात बिल्कुल क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है. तो थर्ड वाला ऑप्शन हो गया हमारा ट्रू. ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. याद होगा आपको हमने
इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ऑर्डर ट्रिपलेट, यहाँ पे एक सेट दे रखा है आपको ए, उसका एलिमेंट ये दे रखे हैं, और आपको बोल रहा है ए क्रॉस ए निकालने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों को एक साथ करेंगे तो फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। ओके, तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा, एलिमेंट हमारे पास -1, 1 और दूसरा है हमारे पास -1 और ये भी 1। ठीक है, अब ए क्रॉस ए कीजिए, -1, -1, -1, ये 1, फिर एक ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ये बने हमारे ए क्रॉस ए के टोटल पेयर्स। अब आपको ए क्रॉस ए पूछा था, तो आप इसके साथ एक ए और ऐड कर देंगे, और इसके साथ एक और ए को लिख दीजिए। अब ए क्रॉस ए कर दीजिए, यानी ये और ये वाला एलिमेंट। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, -1, -1, -1, फिर इसका इसके साथ बनेगा -1, -1, -1, फिर बनेगा इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, इसका इन दोनों के साथ बन गया। अब इसका बनाएंगे 1, -1, -1, दूसरा बनेगा 1, -1, और 1, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारे पास ये 1, -1, -1, 1, 1, ये कंप्लीट पेयर हमारे बन गए ए क्रॉस ए के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है बच्चों, एक सेट आपको दे दिया गया है, आपको ए क्रॉस बी का वैल्यू दे दिया गया है, a, x, b, x, और b, y, और आपको पूछा है फाइंड ए एंड बी। देखिए यहां पर आपको बच्चों ए क्रॉस बी का वैल्यू दे दिया गया है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसको आपको ये बार बार इसको रिपीट करते रहिए, आपको याद हो जाएगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी ए क्रॉस बी के जो पेयर्स होते हैं उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, और ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है बच्चों, तो इसका मतलब एक अभी अभी हमने पढ़ा था कि इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट जो होता है वो हमेशा पहले सेट का होता है, और दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट का होता है, यानी हर ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट बी को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो जितने आपको फर्स्ट पोजिशन पे डिफरेंट एलिमेंट दिख रहे हैं वो ए सेट के एलिमेंट होंगे। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे से ए सेट फाइंड करना हो तो ए सेट क्या बनेगा, देखिए एक एलिमेंट हमें मिल गया फर्स्ट पोजीशन पे ए, फिर फर्स्ट पोजीशन पे बी मिला, और कोई मिला फर्स्ट पोजीशन पे नहीं, तो इसका मतलब पहले सेट में केवल दो एलिमेंट है a, b। दूसरे सेट में अब देखिए इस पेयर का सेकंड वो देखिए पोजीशन, देखिए सेकंड पोजीशन में कौन है एक्स, तो वो सेकंड सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फिर क्या है वाई, और कोई नहीं, फिर कोई दूसरा नया नई एलिमेंट है, तो इसका मतलब बी का वैल्यू जो होगा x, y, ये बन गए हमारे सेट ए और सेट बी। अब चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको अपना आंसर को क्रॉस चेक करना हो तो आप चेक कीजिए, ए अगर इनका क्रॉस करना पड़े हमें तो क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट इसका एलिमेंट ए एक्स बन रहा है, फिर ए वाई ये बन रहा है, फिर बी एक्स बन रहा है, और फिर बी वाई, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।